नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्षा ब्यूटी केयर में। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जब से फ्रेंड्स मैंने ये पिक शेयर किया है ना आप लोगों के साथ, तब से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम आपने इतना बेली फैट कैसे कम कर लिया है, हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आज मैं अपना सीक्रेट आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने इतनी जल्दी बेली फैट कैसे कम कर लिया है। प्लीज़ वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम लगता नहीं है कि आपके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, और आपके दो बच्चे हैं तो बिल्कुल ही नहीं लगता है। चीज़ें मेंटेन करना, मैनेज करना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, आज मैं अपनी जो फिटनेस का राज है वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी और आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आप भी अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं ना, तो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर प्लांट बेस्ड बेली फैट टी की, और ये मेरा थर्ड पैकेट है। जी हाँ, इससे पहले मैं दो पैकेट फिनिश कर चुकी हूँ और ये मेरा थर्ड पैकेट है। तो चलिए इसकी पैकेजिंग में सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये है टी करी बेनिफिट्स बेली फैट टी है। 30 इंडिविजुअली रैप्ड पिरामिड टी बैग्स के साथ ये आपको मिलती है। इसमें आपको और भी फ्लेवर मिल जाएंगे, और पैकेजिंग आप देख सकते हैं वो कुछ इस तरह से है। सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि आपको और कौन कौन से इसमें वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर नी सपोर्ट टी है, स्लीप टाइम टी है, स्किन ग्लो टी, क्लिंस टी और थायराइड टी। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी आपको ये टी मिल जाएगी, और मैं इसे पहले भी पी चुकी हूँ तो मुझे इसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे लगे हैं। और ये देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको बाकी की टी के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी कि आपको कौन कौन से पर्पज़ के लिए आप मतलब ये टी पी सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इस टी के बारे में कि आपको इतने सारे वेरियंट्स में ये मिल जाएगी। सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं कि किस तरीके से आपने इसे लेना है। स्पेशल टिप्स भी दिए गए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो कैसे आपने इसे बनाना है, ये चीज़ें भी मेंशन की गई हैं। साथ ही दोस्तों हमें एक चीज़ की और प्रॉब्लम आती है कि हमें कैसे मतलब डाइट चार्ट जो है कौन सा होना चाहिए, या कैसे पीनी चाहिए, या क्या क्या हमें खाना चाहिए डाइटिंग के समय। तो ये पूरा डाइट प्लान आपको यहाँ पर दिया गया है। ये वेट लॉस डाइट प्लान है, वेजिटेरियन है पूरा, और आप देख सकते हो मंडे टू संडे तक का सारा इसमें 1 वीक का आपका प्लान दिया गया है डाइट का। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि अक्सर हम ये टेंशन में रहते हैं कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, मतलब अगर हम वेट लूज कर रहे हैं तो हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो यहाँ पर आपको ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा इसमें आपको अपना डाइट प्लान मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों ये हैं वो ब्यूटीफुल से 30 सैशे आपको इसमें मिल जाते हैं, और आपने इसे डेली खाने के बाद पीना है। यानी कि सुबह आप अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आप इसे पी सकते हैं। इनमें 2 सैशे आपने पीने हैं, एक सुबह और एक शाम। तो चलिए दोस्तों, अब मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे बनाना है और इसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। साथ ही मैं आपको एक चीज और बताऊं फ्रेंड्स, इसमें PCOS, PCOD टी भी है, थायराइड टी है, एसिडिटी टी है, फैटी लीवर टी है, स्लिमिंग टी है, बेली फैट टी है। तो ये चीज मुझे बहुत ही अमेजिंग लगी है, यूनिक लगी है। तो यस, इसमें आपको सभी तरह के फ्लेवर मिल जाएंगे और अलग अलग पर्पस के लिए टी इसमें मौजूद है, ये भी आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, डाइटिंग शुरू कर देते हैं कि यार अगर वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो डाइटिंग शुरू कर देते हैं, या हम खाना पीना कहीं ना कहीं कम कर देते हैं, रोटी कम कर देते हैं, ये चीज़ बंद कर दो वो चीज़ बंद कर दो। ऐसे में हमें सही से जानकारी नहीं मिल पाती है। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस टी के साथ आपको पूरा डाइट प्लान दिया गया है। अगर आप अपना बेली फैट कम करना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना। जी हाँ दोस्तों, इस बेली फैट टी की खास बात ये भी है कि इसमें आपको पूरा डाइट प्लान दिया गया है कि आपने किस समय पर क्या चीज़ खानी है, कैसे लेनी है, या क्या क्या चीज़ क्या क्या ऑप्शंस हैं खाने में, या कौन सी चीज़ आप किस समय पर खा सकते हैं। मंडे टू संडे तक का इसमें पूरा आपको डाइट प्लान दिया गया है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इसमें आपको सभी टी जो भी अगर आप लेंगे, जिस भी पर्पज़ के लिए ले रहे हैं ना, तो उसमें आपको पूरा डाइट प्लान दिया जाएगा। बेली फैट टी, जी हाँ, ये टी करी बेनिफिट्स प्लांट बेस्ड बेली फैट टी है। मैं हर रोज 20 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज भी करना जरूरी होता है, या आप कोई भी योगा व्यायाम वगैरह कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आपको ठीक लगता है अपने बॉडी के अकॉर्डिंगली, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंगली। अगर आप इसमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर लेंगे ना, तो आपको जल्द से जल्द इसका फायदा मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और जल्दी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आप भी इस बेली फैट टी का फायदा उठाना चाहते हैं, इसके बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, या इसे परचेज करना चाहते हैं, तो इसकी परचेज लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है दोस्तों, तो चेक शुरू कर लीजिएगा। इस टी को बनाने के लिए आपने गर्म पानी लेना है, एक पैन में 1 कप गर्म पानी ले लीजिए, और पानी सिर्फ इतना गर्म हो जिसे कि आप सिप सिप कर आराम से पी सकें। और ये देखिए, मैंने इस कप में पानी को डाल लिया है,
और इसमें अब हम ये सैशे जो हैं ओपन कर लेंगे। और ये सैशे आपने ले लेना है, इसमें डालकर 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा ताकि इसके जो भी गुडनेस है, जो भी इसके अच्छे तत्व हैं, जो भी इसके बेनिफिट्स हैं, वो सभी इस टी में आ जाएं। तो ये देखिए, मैं 5 मिनट के लिए इसे रख दूँगी और उसके बाद हम इसे पियेंगे। तो ये जो टी है ना, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, इंक्रीज़ करती है आपके मेटाबॉलिज्म रेट को, आपकी शुगर और जंक फूड की क्रेविंग को भी कम करती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। और जैसा कि इसमें टर्मरिक, फेंग्रिक, जिंजर, सिनेमन, ब्लैक पेपर, ये सभी इंग्रेडिएंट मौजूद हैं जो कि आपके बेली फैट को धीरे धीरे कम करते हैं। और इस टी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और इसमें ना स्ट्रॉन्ग एरोमा है जो कि आपको काफ़ी रिफ्रेशिंग फील कराता है। इसकी स्पेशल टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप ये ग्रीन टी पीते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि सुबह ब्रेकफास्ट के बाद तो आपने इसे पीना ही है। अगर आप इसे हर मील खाने के बाद पीते हैं तो इसके बेनिफिट्स आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। टी की खास बात एक और भी है कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या प्रेजर्वेटिव्स नहीं है और ये 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी है। तो अगर इस टी को ले रहे हैं, इस चाय को पीते हैं ना, तो आपने इसे 3 से 4 महीने रेगुलर पीना है। 3 से 4 महीने आपने रेगुलर ध्यान करना है, इन सब चीज़ों का ध्यान से इस टी को पीना है, एक्सरसाइज करिए, तो इससे आपको जल्दी बेनिफिट मिलेंगे। स्किप करेंगे तो हो सकता है शायद उतने ज़्यादा बेनिफिट्स ना मिले। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि रेगुलर आपने इसे पीना है, अपने डाइट प्लान में शामिल करना है। किस तरीके से लेना है वो मैंने आपको बता ही दिया है, और स्किप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, जो पैकेट वाले फूड होते हैं ना, वो मत खाइएगा। जो कि पैकेट वाले फूड होते हैं ना, जो रेडीमेड फूड आते हैं, वो मत खाइएगा। वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, हेल्दी नहीं होते, हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और फास्ट फूड वगैरह भी मत खाइएगा, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है। इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा इस टी को पीने से पहले। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, बिना डॉक्टर की सलाह के ना ले। अगर आप प्रेग्नेंट है या अगर आपको कोई और मेडिकल इश्यू है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। और इस टी में आपको कोई भी मिल्क या शुगर, हनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखिएगा कि नाश्ते के बाद भी आप इसे पी सकते हैं। गैप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि कितना गैप देना है खाने के बाद, कितनी देर बाद इसे ले सकते हैं। तो इसके साथ ऐसा कोई भी टाइमिंग का इश्यू नहीं है, आप खाने के तुरंत बाद भी इसे ले सकते हैं। और आपने इसे स्किप बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, वरना आप बाद में बोलेंगे भी हमारा तो बेनिफिट कम हुआ ही नहीं है। तो अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको जल्द से जल्द इसके फायदे जरूर मिलेंगे। ये सब प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जैसे कि स्प्राउट्स, दाल वगैरह और राजमा और जो वाइट चने होते हैं, ये सब चीज़ों में प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होता है। तो कोशिश कीजिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवन करें। और 15 से 20 ग्लास पानी आपने डेली पीना ही है, इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और 15 से 20 मिनट अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद इन सब डाइट प्लान को फॉलो करते हैं तो आपको जल्द से जल्द इसके फायदे ज़रूर मिलेंगे। आपका बेली फैट कुछ ही दिनों में आप देखेंगे काफ़ी हद तक कम भी होगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो वो क्या होता है कि रूटीन टूट जाता है, हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो ऑफकोर्स उसका फायदा फिर आपको नहीं मिलेगा। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि प्राणायाम, कपालभाति, वॉकिंग वगैरह, और नहाने से 15-20 मिनट पहले आप ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। हेल्पफुल लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को भी जरूर हिट कर देना, तभी आपको आने वाले हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉच पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ ऐसे ही हेल्पफुल सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।